नमस्कार, मैं शिवम हूँ, आप डीएच न्यूज देख रहे हैं। लगातार सरकार को घेरने के लिए आरजेडी अपनी तैयारियों को एक ऊंचे स्तर पर ले जाना चाह रही है और लगातार तैयारी जारी है, और इसी क्रम में लगातार हर एक नेता बयान अपना अपना रख रहे हैं। इसी क्रम में आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव भी एक दवा दुकान के उद्घाटन में पहुंचे थे, जहां पर दवा दुकान के उद्घाटन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, और बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा सर्वप्रथम उठाया और उसके बाद बहुत सारी बातें रखी हैं, जरा सुन लीजिए। हम लोग 23 मार्च को जेपी गोलम्बर के स्थान से शुरू करेंगे और विधानसभा को घेराव करेंगे। जितने भी हमारे यहाँ भाई बंधु छात्र छात्राएं बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए शिक्षा में, आंगनबाड़ी, अनेकों ऐसा नौकरियां का प्रलोभन दे करके सरकार फॉर्म निकालता है, निकाल के फॉर्म भराता है, परीक्षा भी होता है, साल दो साल चार साल पाँच साल तक रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट आ भी जाता है दो साल चार साल के बाद, जो पास हो जाता है वो लड़के लोग को इतना सताया जाता है, इतना दौड़ाया जाता है नियुक्ति पत्र के लिए कि अंत अंत में बच्चे लोग थक हार करके घर बैठ जाने से मिले। लेकिन 144 लगा हुआ है, फिर भी आप लोग 23 तारीख को विधानसभा घेराव मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार ने आपको आदेश नहीं दिया, डीएम ने भी आदेश नहीं दिया। देखिए, धरना प्रदर्शन हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे राज्य के लिए एक व्यवस्था शुरू से ही बना हुआ है, और उस व्यवस्था के तहत हम लोग जा रहे हैं विधानसभा का घेराव करने, और हम लोग सरकार को जानकारी दे चुके हैं पहले भी कि हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। और संविधान का खूबसूरती है कि अपना मांग मनाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए, जनता को एकत्रित करने के लिए धरना प्रदर्शन ही सबसे बड़ी हथकंडा है, और ये सरकार चाह रही है कि हथकंडा को हम खत्म कर दें। जो भी धरना प्रदर्शन में लोग आएंगे उनके ऊपर केस करेंगे, 144 धारा के उल्लंघन करने के बाद उनको जेल भेजेंगे। इन सारी बातों से कोई डरने वाला नहीं है बिहार का वासी। हर मुसीबत, हर ताकत, हर विरोधी खेमा का षड्यंत्र के लिए सामना करने के लिए तैयार है।